उपकेंद्र जमाल नगर भैंस में 7 वर्ष से लटका रहा ताला। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एतमादपुर तहसील ग्राम पंचायत जमाल नगर भैंस का है। उप स्वास्थ्य केंद्र जमाल नगर भैंस में 8 वर्षों से ताला लटका रहा है, जिसे ग्रामीण इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, क्या यहाँ का अस्पताल कागज पर चल रहा है? आज तक ग्रामीणों को यह पता नहीं है कि यहाँ कौन सा डॉक्टर भी नियुक्त है। लाखों रुपये की लागत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर लटक रहा ताला। मरीजों को उपचार के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र आवल खंड या जिला अस्पताल आगरा के लिए ले जाना पड़ता है। दूसरी समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने पर कई बार मरीज असमय काल के गाल में समा जाता है। MP न्यूज कास्ट आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम अनार सिंह है। अच्छा, क्या समस्या है इस हॉस्पिटल में? कब से नहीं खुल रहा है ये हॉस्पिटल? कैसे हॉस्पिटल में न कोई डॉक्टर आता है, 9 साल हो गई पड़े हुए, कुत्ते टट्टी कर रहे हैं उसमें, कोई सुनाई नहीं हो रहा। प्रधान से कहो चाहे किसी से कहो, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? STM साहब या किसी अधिकारी से आपने शिकायत की हो? हाँ, शिकायत की है पर कोई नहीं सुन रहा है और बंद पड़ा हुआ है। दवाई उसमें भरी हुई है और लोग यहाँ के सब जनता परेशान। नहीं तो यहाँ के जो पेशेंट हैं वो कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? वो फिर पड़ोसी में आमखेड़ा जाते हैं। अच्छा, और यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, 5-6-7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है और गांव। हाँ, ताऊ आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। अच्छा, क्या समस्या है इस हॉस्पिटल में? ये है कि यह हॉस्पिटल में कोई ना आज तक आया, दवाई दवाई नहीं चली रही है ऐसा में। अच्छा, कितनी साल हो गई तब से बंद पड़ा हुआ है ये? 9 साल रह गई। अच्छा, 9 साल से बंद पड़ा हुआ है लेकिन कोई नहीं आ रहा है यहाँ? कोई नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन आपने किसी से ये बात बताई, किसी को STM साहब या किसी से कोई शिकायत करी आपने? हमने बताई प्रधान से कही। अच्छा, प्रधान जी ने कुछ बोला? कुछ ना बोला प्रधान जी।